तो फ्रेंड अब देख ही रहे हैं फ्रेंड, ये जो फैब्रिक पेंटिंग में दिखा रहा हूँ आप लोगों को फ्रेंड, तो देखिए ड्राइंग आप लोग तो क्लियर देख ही रहे हैं फ्रेंड। तो ये सिंपल सा मैंने ये पेंसिल से ड्रॉ किया है इसके ऊपर, मगर आप लोग अगर होलसेल में इसी तरह कुछ साड़ी वगैरह और कुछ भी हो, जैसे कि बेड कवर, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर बेड कवर का डिज़ाइन दीजिए। तो देखिए हमारा चैनल में जितना डिज़ाइन है सब कुछ आप बेड कवर में आप यूज़ कर सकते हो, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप लोगों को खुद ही वो सिलेक्ट करके वो थोड़ा सा चेंजिंग करके करना पड़ेगा। और ये डिज़ाइन भी आप लोग बेड कवर में आप लोग कर सकते हो बहुत आसानी से, और ये डिज़ाइन फ्रेंड आगे जाके कोई हमारा वॉयस नहीं रहेगा, तो इसलिए पहले से मैंने आप लोगों को कुछ बात आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैंने तो एक पीस के लिए पेंसिल से ड्रॉ किया है, अगर आप लोग ज़्यादा करेंगे क्वांटिटी ज़्यादा होगा, तो जैसे कि हम लोग ट्रेसिंग करते हैं जो पिन करके जो ट्रेसिंग करते हैं वो बना के जो जिंक ऑक्साइड से डीप कलर में हम ड्रॉ करते हैं उसी तरह आप लोग करेंगे। और मैंने तो सैंपल से हिसाब से एक पीस दिखा रहा हूँ, तो इसलिए इसी हिसाब से कर रहा हूँ। और एक बात है फ्रेंड, तो ये जो टेक्निक है तो ये थोड़ा सा मॉडर्न आर्ट, यानी कि हमारा जो मॉडर्न आर्ट जो इंडियन जो कल्चर होता है तो उनका एक स्टाइल से ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये मैं कर रहा हूँ ये। और डीप कलर में इसका अलग से एक इफेक्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और एकदम लेटेस्ट है फ्रेंड ये, आप कहीं भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप लोग देखेंगे डीप कलर में हम लोग एट फर्स्ट इसे करने के लिए एक जो हमारा व्हाइट कलर है, थोड़ा सा बता दूँ नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा फ्रेंड, सिंपल सा ये व्हाइट है तो इसमें कोट देना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें कोट देना पड़ेगा, और कोट सुखाने के बाद उसके बाद आप कोई भी इसमें कलर आप लगा सकते हो। और लाइट अगर कलर होता है, यानी कि ये कपड़ा अगर व्हाइट कलर हो, लाइट येलो हो, पिंक हो, तो उस वक्त हम ये कोट यूज़ नहीं करेंगे। फिलहाल इसमें डीप कपड़ा से मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए बहुत लोगों को पता नहीं डीप में फ्लैट टोन कैसे किया जाए। आप लोग देखेंगे आप लोग जब फ्लैट टोन करेंगे तो वो बैठ जाता है, कलर सिंक कर जाता है, तो इसलिए आप लोगों को एट फर्स्ट जो करनी है इसी तरह फैब्रिक का जो व्हाइट कलर है उसे पानी में थोड़ा सा पतला करके एट फर्स्ट लगानी है, और उसके बाद वो सुखाएगा, सुखाने के बाद आप लोग कोई भी कलर आप लोग आसानी से दे सकते हो। मानिए मैंने इसे योलो देना चाहता हूँ, तो योलो पहले आप लोग डायरेक्टली योलो लगाएंगे तो वो नहीं दिखेगा, वो सिंक हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसे कोट यूज़ करते हैं। इस कोट के साथ कभी कभी हम लोग फेविकॉल एसेस भी मिला देते हैं, ताकि वो ऊपर में जो कलर हम देते हैं वो एकदम डायरेक्टली उसका शाइनिंग बराबर दिखे, तो इसलिए। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करके डायरेक्टली मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे, तो चलिए मैं दिखाता हूँ।